थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फल और सब्जियां, कुछ ऐसे खाने जो कि इंसान के दिल की सेहत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और खाने जो कि इंसान की सेहत के लिए बेहतर है, आज वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज अगर आप मजीद हेल्थ के हवाले से मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप वीडियो देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। दिल को सेहतमंद रखने के लिए ऐसी मछलियाँ जिनमें ओमेगा 3S हो वो खानी चाहिए, और ये फिशेज जो है सलमोन है, टोना है, हेरिंग है, मैक्रोल है और ट्राउट, यानी फिशेज की ये टाइप जो है खाना इंसान के दिल के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट खा सकते हैं और हर किस्म की बेरीज खा सकते हैं जिनमें स्ट्रॉबेरीज है जो कि आम मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरीज है, पालसा वगैरह जो है आम पाया जाता है, इसको खाना जो है हार्ट के लिए बेहतर है। इसके अलावा क्रैनबेरीज, रेसबेरीज, और अगर आप इनको नॉर्मल नहीं खाना चाहते हैं या ज्यादा नहीं खाई जाती है या समटाइम टेस्ट की वजह से कुछ लोग जो है नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सलूशन ये है कि आप इसको दही के साथ मिक्स करके इसको खा सकते हैं, जो कि यकीनन जिनको टेस्ट नहीं पसंद इन बेरीज का, अगर वो दही के साथ योगर्ट के साथ मिक्स करके खाते हैं तो यकीनन उनके लिए ये बेहतर है, टेस्ट को बेहतर बनाता है। होप ये वाला सलूशन जो है उन लोगों के लिए बेहतर हो जिनको ये बेरीज जो है खाना पसंद नहीं है। सारी बातें सेहत के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसके लिए आपके लिए सलूशन ये है, इसको दही के साथ मिक्स करके खा लें। इसके अलावा फ्लैक्स सीड जिनको अलसी के बीज कहते हैं खाएं, ओट मील है, जई का आटा या फिर दलिया कह लें, इसको अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए। लोबिया जो कि लाल और पीले रंग की होती है, दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रूट्स में आप माल्टे, वेजिटेबल्स में आप माल्टे रंग की सब्जियां जिनमें गाजर शामिल है इसको खाएं। इसके अलावा शक्करकंदी, लाल मिर्च, पालक का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और फ्रूट्स में जो है माल्टे के लिए इतना कहना चाहूंगी कि क्योंकि माल्टे को अगर एक या दो के तादाद में खाना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जब आप एक गिलास पीते हैं तो उसमें एक दो से ज्यादा तादाद में माल्टे जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, और यकीनन इसमें क्योंकि खटास होती है तो ज्यादा तादाद में एक साथ खटास पीना भी जो है इंसान की सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप गिलास का एक जूस बनाने की बजाय एक या दो माल्टा खा लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा शोर खाना जो है आपके लिए स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि रूटीन टाइम में तो फील नहीं होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होता है कि ये थोड़ा थोड़ा खटास, थोड़ी तो नहीं, एक ग्लास में काफी मकदार होती है, तो यकीनन अगर ये ज्यादा अरसे तक खाई जाए तो फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। इसके अलावा कैंटेलोप जिसको गर्मा कहते हैं वो खाएं, पपीता खाएं, एस्पेरेगस है, टमाटर है और डार्क चॉकलेट। इसके अलावा ब्रोकली, ये गोभी की एक किस्म होती है, इसका इस्तेमाल भी जो है वो हार्ट के लिए बेहतर है, दिल को सेहतमंद रखता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कौन से खाने जो है वो बेहतर होते हैं। तो प्लीज इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। और प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज इसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा, या फिर कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पर वीडियो बनाई जाए प्लीज उसको जरूर कमेंट में लिख के जाइएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।